आज हम बनाएंगे होटलों और ढाबों पे बनने वाला दाल फ्राई, वो भी घर में। अगर आपने होटल में दाल फ्राई खाया होगा तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हम घर में बनाते हैं तो हमारी दाल वैसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो चलिए, ये वीडियो देखने के बाद आपकी दाल भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने एक बाउल में लिया है 2 कप अरहर की दाल। ये वही कप है जो हम चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने इसी से मेजरमेंट किया। मैंने 2 कप अरहर की दाल लिया, आप इसे तुअर दाल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दाल को अच्छे से धुल लेंगे ताकि इसमें जो भी डर्ट हो, जो भी गंदगी हो, वो सब निकल जाए। तो मैंने इसे 2 से 3 पानी तक अपनी दाल को धुल लिया है। तो ये देखिए, हमने अपनी दाल को धुल लिया है। अब मैं इसे कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी दाल को डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 ग्लास पानी, क्योंकि मैंने 2 कप दाल ली है तो उसी हिसाब से मैं 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, बाद में हमें पानी वगैरह कुछ भी डालना नहीं पड़ता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। इस टाइम पर आप नमक कम ही डालिए, क्योंकि दाल फ्राई करने पर भी हमें कुछ नमक डालना पड़ेगा टमाटर गलने के लिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब तेल है। पानी हमने ज़्यादा डाला है तो तेल डालने से पानी बाहर नहीं आएगा दाल का। और अब प्रेशर कुकर की लीड लगा दें और इसे गैस पर रख दें। तो चलिए, जब तक हमारी दाल पक रही है हम दाल फ्राई की तैयारी कर लेते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है और इसी के साथ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट किया है। आप कभी भी दाल फ्राई बनाएं तो उसमें प्याज का रेशियो टमाटर से ज़्यादा रखें। आप 3 टमाटर ले रहे हो तो 4 प्याज ले लें, और अगर आप 3 प्याज ले रहे हो तो टमाटर 2 ही रखें। और इसी के साथ मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्च है, जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, 10 से 12 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे फाइन चॉप कर लें। मैंने इसे फाइन चॉप नहीं किया है, मैंने इसे ग्लास में डालकर एक बेलन की मदद से भून लिया है। ऐसे करने पर हमारे अदरक और लहसुन फाइन चॉप हो जाते हैं, और आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी आ गई है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 सीटी आएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और जब ये खुद से प्रेशर रिलीज़ करेगा तो हम अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल बनकर तैयार है। तो चलिए, इसे बंद कर देते हैं और दाल फ्राई करते हैं। दाल फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से हीट होने देंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा के तड़कते ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, जिसे हमने फाइन चॉप किया है। थोड़ा सा लहसुन मैं बचा लूँगी और इसमें मैं अदरक भी डाल दे रही हूँ, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप चाहें तो अदरक को बढ़ाकर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद आता है तो मैं कम ही ली। ये हमारे लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और इसे भी हम भून लेंगे। ये हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है, और अब मैं इस स्टेज पे इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को प्याज के साथ बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि हरी मिर्च हमारी फाइन चॉप है तो जल्दी उसका कलर चेंज होगा और वो जलने लगेगी। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, और आप देख सकते हैं हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और 1 चम्मच नमक। प्याज का हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा कलर चेंज कर देंगे तो हमारी दाल में कड़वाहट आने लगेगी। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए, अब इसे हम कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो गया है और हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ मसाले। मसालों में मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाले डालने पर हमारी दाल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो हम इन सबको 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि हमारे मसालों का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। 1 मिनट हो गया है मुझे इन सबको भूनते हुए। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल। दाल डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारी दाल फ्राई बनकर तैयार है।
लेकिन अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। इसी कंसिस्टेंसी बराबर है, लेकिन अगर आपको पतली दाल पसंद है तो पानी बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया और इन सबको मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब अपनी दाल में चार चांद लगाने के लिए हम इसमें लगाएंगे ज़बरदस्त सा तड़का। मैंने फ्राई पैन में डाला है एक चम्मच देसी घी, हो सके तो आप तड़का देसी घी में लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और अगर घी ना मिले तो आप बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है एक चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा के तड़कते ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, जिसे मैंने फाइन चॉप किया था, जिसे मैंने साइड में बचा के रखा था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तीन लाल मिर्च, और इन सब का कलर चेंज होने तक हम इसे चलाते रहें। तो ये देखिए हमारी लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त तड़का बनकर तैयार है। इसे हम अपनी दाल पर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे हम कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा दाल तड़का या दाल फ्राई बनकर तैयार है। आप एक ही तरह की दाल बना बना कर बोर हो गए हो तो ये दाल बनाएं, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता ही ये कि सबको बहुत ही पसंद आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दाल फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।